हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के तलाक की खबरें एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई हैं। दरअसल इन दोनों के तलाक की खबरें जो हैं लगातार सोशल मीडिया में चल रही थी और अब एक बार फिर इन दोनों के ही तलाक की खबरें एक बार फिर जो है सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ लिया है इन दोनों के तलाक की खबरों ने। अब ऐसे में इन दोनों के तलाक की खबरों ने एक बार फिर अचानक से जोर क्यों पकड़ा, इसकी अगर घटनाक्रम देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी अनंत अंबानी की जो शादी का समारोह चल रहा है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में, तो वहाँ पर अभी हाल ही में टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी गए जिसमें हार्दिक पांड्या भी गए थे। इसके साथ ही रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी गए थे। तो अब ऐसे में ये तमाम खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचे और हार्दिक पांड्या भी वहाँ पर पहुँचे थे। हार्दिक पांड्या अपने बड़े भाई के साथ पहुँचे थे। हार्दिक पांड्या के साथ उनके बड़े भाई और उनकी बड़े भाई की जो पत्नी थी वो भी वहाँ पर आई हुई थी। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के साथ नताशा स्टैनकोविक यहाँ पर भी नहीं दिखी, तो ऐसे में फैंस ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। एक बार फिर इन कयासों के बीच सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है या फिर ठीक नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुर्खियाँ बनी हुई हैं हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के तलाक की खबरों की। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जब हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीते और वहाँ पर फाइनल में काफ़ी कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया, तो ऐसे में नताशा स्टैनकोविक का अगर उस वक्त सोशल मीडिया हैंडल चेक किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी वहाँ पर, लेकिन उस वक्त उनका हार्दिक पांड्या को लेकर कोई भी ट्वीट या फिर पोस्ट नहीं आया था। तो ऐसे में वहाँ पर भी एक बार फिर वहाँ पर सुर्खियों में बनी हुई थी नताशा स्टैनकोविक और उनके तलाक की खबरें। और इससे पहले भी नताशा स्टैनकोविक और हार्दिक पांड्या के बीच तलाक की खबरों ने काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ा था, लेकिन अभी इन सब खबरों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है ये सब कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले हार्दिक पांड्या ये सब चीज़ें डिनाई कर चुके हैं, लेकिन अगर देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं सोशल मीडिया पर, तो इसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें सही हैं। लेकिन जब तक अगर देखा जाए, जब तक कोई पुख्ता रिपोर्ट्स नहीं आती, तब तक इन खबरों को सही ठहराना गलत बात होगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच जो है क्या सब कुछ सही है या नहीं, ये सब कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो नीता मुकेश अंबानी सेंटर पर जब हार्दिक पांड्या पहुँचे तो वहाँ पर नताशा स्टैनकोविक नहीं थी, तो ऐसे में फैंस ने तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। अब देखना होगा किस तरीके से आगे ये खबरें जो हैं चलती हैं और क्या इन खबरों पर विराम लगेगा, क्या हार्दिक पांड्या की तरफ से कोई पुष्टि होगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बार फिर सोशल मीडिया में ये खबरों ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।